हर जुग जुग पग पे पाया पैज रखदा या राम राधे हर नाथ दुष्ट मार मारिया देहराद तराया अहंकारिया निंद का पिट दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले छिड़ाया जन नानक ऐसा हर सेविया सलोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जस बतामना होई तू करता करना मैं नाही जाहु करिना होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला प्रपूरिया तू सच्चा साहब शिव सवालो जिन कीती सो पार पिया कौ नान करते किया बाता जोक्ष करना सुकरिया सोधरा का समला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोधर तेरा सोधर किया जित पै सर्व समाल वजते आवे अनेक संख्या कित तेरे वावन हार कित तेरा गुपरी सो कहिया कित तेरे गावन हार गंपुन पवन पानी मैं संतर गावे राज धर्म द्वार गंपुन चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म विचार गंपुन ईश्वर ब्रह्मा देवी सो तेरे सदा सवारे गंपुन इंद्र इंद्रा सन बैठे देवते आदर नाले गंपुन सिद्ध समाधि अंदर गंपुन साध विचार गंपुन जति सती संतोखी गंपुन वीर करारे गंपुन पंडित पढ़ निरखी सोर जुग जुग वेदा नाले गंपुन मोहन या मन मोहन सुर्ग मच्छ प्याले गंपुन रत्न उपाले तेरे हर षठ तीर्थ नाल गंतुन जोध महाबल सूरा गंतुन खानी चारे गंतुन खंड मंडल रह मंडा कर कर रख तेरे तार से तुन गाउन जोध पावन रत तेरे भगत साले होर के तुन गाउन से मजनायावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए न जासी रचना गिनर चाई रंगी रंगी बाती कर कर जिनसी माया जी उपाई कर कर देख कीता अपना जो तिस दी वड्याई जो तिस भावे सो ही करसी फिर हुक्म न करना जाय सो पासाओ सा पसाय रैन रजाई 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 वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह फतेह वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह वाहगुरु जी की फतेह असा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोई के वड्डा वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहया जाए कहना वाला तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता के वड़ चीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुरु गुरु हाई कह न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुद बिन सिद्धि किना न पाईया कर्म मिले नाही ठाकर हाईया
आखण वाला क्या विचार, सिफती भरे तेरे भंडार, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखने औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिया दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचे नाई रहाओ, साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा न हुवै घाट न जाय, ना ओह मरै न हुवै सोग, दिंदा रह न चुकै भोग, गुण एहो हुर नाही कोए, ना कोहुआ ना कोहोय, जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात, खसम विसारै ते कम जात, नानक नाम है बाज सुनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुरु सतपुरखा, बिनो करो गुरु पास, हम कीरे किरम सतगुरु शरणाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मुकु राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिला त्रिवतासै, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हलस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चितवहि उद्दम, जा आहर हर जीओ परया, सैल पत्थर मैं जंत उपाए, ताका रिज के आगे कर धरिया। मेरे माधु जी सत संगत मिले सुतरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया रहा। जनन पिता लोक सुत बनिता, कोई न किस की धरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भाऊ करिया। उडे उडया मैं सैकुसा, तिस पाछै बचरे शरिया, तिन कवण खलावै कवण चुगावै। मन मैं सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइया, तेरा अंत न पार वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर गमा गमी अपार, सब ते आवै सब ते आवै तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातार,
हर त्याव संतो जी सब दुख विसरन हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हरे को पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चूज विराणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै हर त्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी। से मुक्त भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका भाओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनके अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ाए बहु सिमरत सासत जी। कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडयवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरता जी तू आपे करें सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सै का जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई। जो तू पावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहा। सब तेरी तुम सबनी ते आया। जिसनु कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाहिया। तुद आप विछोड़िया आप मिलाए। तू दरिया सब तुझ ही माहे। तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनु तू जना है सोई जन जाने। हर गुण सद ही आख वखाण। जिन हर सेविया तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुद बिन दूजा अवर न को। तू कर विख है जान है सोहे। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ा पहले निवासा। पानी पावक तिन है किया पंकज मोह पग नहीं चाल। हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेत समूड मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हो जति सती नहीं पड़िया। मूरख मुगदा जन्म पया।
प्रणवत नानक तिन के सरना जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा भई प्राप्त मनुख देहुरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरा किता ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंग जाम लाग पवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा जप तप संजम धर्म ना कुमाया सेवा साध न जानिया हरि राया कहु नानक हम नीच करमा शरण परे की रखहु शर्मा कहु नानक हम नीच करमा शरण परे की रखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कव्यो बात बेनती चौपाई हमरी करो हाथ द रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतिपार हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो आप हाथ द मोहे बचाव सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतार मोर अच्छा निज कर द करिया सब वैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सतर हमारे मारिया आप हाथ द मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निमरिया हु जो सदा हमारे पच्छा सीरियस तुझ जू करियो रक्षा राख ले हो मोई राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण पर कासा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षणी उपजायो आदि अंत का अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो शतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जब युद्ध करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपार जब आ करख करत हो कब हो तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते वदन श्रेष्ठ सब तार आपे अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनिल अनादि असंभ ताका मूड उचारित भेदा जाको भेव न पावत वेदा ताको कर पाहन उन्मानित महामूड कश भेद न जानत
महादेव को कैद सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आपे अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो है तेते तुमरा लखा न जाए पसारा के विद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर एक ऐठा सगरी सृष्ट दिखाए अचम भाव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भाव अविरच्छा मेरी तुम करो सिख उबार या सिख संगर दुष्ट जिते उठवत युत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तिसरनी पदे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जमन पापरे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताई सब काला दुष्ट अरिष्ट टरी तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए ने हर हो ताके ताप तन कमो हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शास वसके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दले हो उबारी सर्ब ठोर मोह सहाई दुष्ट दुख तेले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे निया ने राम रहीम पुराण कुराण अनेक कह मत एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक न जाने सिरियस पान कृपा तुम दी कर मैं न कहो सब तुहे बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाजे अस गोविंद दास तुहारे सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाजे अस गोविंद दास तुहारे राम कली महला तीजा नंद को अंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहसिति मनमजिया बधाइया राग रतन परिवार परिया शब्द गावण आईया शब्दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाय कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए वन मेरिया तू सदा रू हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो कदे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किस है जिस दे सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया
कर शांत सुख मन आई वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दियां वडियाइया कह नानक सुनो संत हो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच शब्द कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पए सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावनी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पईओ जिसका सबसे आधार जे को खावे जे को पुंचा तिसका हुए उधार एह वस्तत जी न जाई नित नित रख उर तारु तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म प्रसादो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही मैनू जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेरा मत होई सतगुर सजन मिले आ नानक नाम मिला ता जीवा तन मन थीव हरे आ तरस पया मेरा मत होई सतगुर सजन मिले आ नानक नाम मिला ता जीवा तन मन थीव हरे आ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम पैरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोए न जाने तुमरा अंत उचेते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुम सूतर तारी तुम ते होए सुआगे आकारी तुमरी गात मित तुम ही जानी
नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लहिं त्याए। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाए। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे करनौ निदावे ताए। सब थाई होए सहाए दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाए दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक केसां सुवासां संग निभाया तिना सिंगा सिंगणियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेतावे। चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखां दा मानीवा मत उची मत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शो। हीन माणिया दे मान नितानिया दे तान न्योटिया दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु जी। धन धन श्री गुरु हर कृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण शो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहेब। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर
सजे दरबार अंदर सोदर दी बाणी दे पाठ होए ने बाणी पढ़दे आ सेवा करदे आ होईयां भुल्लां बख्श लैणियां अगे तो समत बख्शनी शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न दी मत बुद्ध प्रदान करना जी बाणी दा भाव दर आईयां संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा संगतां दियां हाजरियां भेटा दर प्रवान करनियां बस्तर अंगीकार करने अपने दरों करों नाम दियां दातां अमृत दी दात अमृत वेले दी दात नित नेम दियां दातां बख्श के कृतार्थ करना परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच बरकतां दे अरोगता दियां दातां बच्चियां नूं गुरसिखी दी दात शुभ मनोकामनावां पूरियां करनियां जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार जित द्वारै उभरै तितै लेहो उभार दाता समस्त संसार विच सुख वरतौणा साडियां जीवां दियां भुल्लां बख्श लैणियां सभे जी संभाल अपनी मेहर कर आप जी दियां बख्शियां दातां विचों कड़ा प्रसाद दी देग हाजिर है जी दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो अपने पावन हुक्म बख्श के संगतां नूं किरतारथ करो सरबत दा भला करना सरबत दे कारज रास करने सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवन जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह आगे आ भई अकाल की तबै चलायो पंथ सब सिखन का हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की देह जो प्रभ को मिल बोच है शबद मैले राज करेगा खालसा आकी रह न कोई ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए की कर फोर दलीस सिर रब पुर किया प्यान तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हु आन तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक है सब जग पयो जय 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 सुरलोक बोले सो निहार सत श्री अकाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण नाम विचारो कोई माटी का क्या तो पै स्वामी मान
ਸਾਸ ਕੀ ਗਤ ਏਹੀ ਸੁਖ ਹੋਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤਨਾਸਰੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਜੀਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਉ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਜੀਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਉ ਗੁਣ ਗਾਏ ਵਿਗਸੈ ਸਦਾ ਅਨੰਦਿਨ ਜਾਂ ਆਪ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਅਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਤਜੈ ਮਾਇਆ ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਆਪ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਜੀਉ ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੈ ਜੀਉ ਹਉ ਤਿਸ ਸੇਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜੀਉ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਅਨ ਦਿਨ ਸੰਭਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਅਨ ਦਿਨ ਬਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਿਚਰੈ ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਵਡ ਭਾਗ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਆਵੈ ਜੀਉ ਅਨ ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਜੀਉ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨ ਭਾਵੈ ਸਦਾ ਅਤੀਤ ਬੈਰਾਗੀ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸ਼ੋਭਾ ਜਗ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸੋ ਭਾਵੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਵਡ ਭਾਗ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਆਵੈ ਜੀਉ ਦੂਜੈ ਪਾਏ
दुख होए मन मुख जम जोहिया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहिया जियो माया दुख मोहिया हाँ मैं रोहिया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेत नाही अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ न चाले उतर कलतर माया तोया दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोहिया जियो कर किरपाल हो मिलाए महल हर पाया जियो सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन पावे ता हुकम समावे हुकम मन सुख पाया अन दिन जपत रहे दिन राती सहज नाम त्याया नामो नाम मिली वड़ियाई नानक नाम मन पावे कर किरपाल हो मिलाए महल हर पावे जियो कर किरपाल हो मिलाए महल हर पावे जियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो सतगुर मिले सुभाए सहज गुण गाई है जियो ये पावन श्री मुख वाक जो तनासरी राग अंदर चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी दे पवित्र मुख तो उचारण होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 690 अंग ते दर्ज है। सतगुरु कृपा करन उपदेश साडे हिरदयां विच वस जाए। आप जी वडभागे हो जो अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र इतिहासक स्थान गुरद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे आ जा घरां विच बैठ मन सुरती करके अपनियां हाजरियां लवाउंदे आ। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे दर्शन परसे हन। सतगुरु सारियां दियां हाजरियां प्रवान करन सारियां नूं सतगुरु अपने दर्शनां दा पुन फल बख्शन। इस महीने दी संगरांद कल 14 तरीक नूं है। छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक सतगुरु जी दा गुरता गद्दी गद्दी निशीनी गुरपुरब परसों 15 तरीक नूं है। पंजवें पातशाह शहीदां दे सिरताज सतगुरु जी दा शहीदी गुरपुरब 26 तरीक नूं है। सो इस समय देशां विदेशां दे विच माइयां बीबियां भैणां सुखमणी साहब जी दे पाठ करदियां ने। समय दा पता नहीं कि किहो जिहा समा होएगा जदों आपां इह गुरपुरब दे दिहाड़े मनावांगे। सो सारिआं नूं बेनती है कि घरां विच बैठ पवित्र बाणी गुरु अर्जन साहिब महाराज ने जो बख्शिश कीती है आप जी सुखमणी साहब जी दे पाठ जरूर करो। अगले समय वास्ते भाई सतनाम सिंह जी निहाल विहार वो गुरबाणी कीर्तन सरवण करवाउणगे।
समा है 8:30 बजे तक दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख सेवादार सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा वो भी हाजिर होए ने आप संगत के दर्शन करनगे आप संगतां दे नाल दो शब्दां दी सांझ करनगे सो मैं भाई साहब जी नूं बेनती करांगा कि आरती दे शब्द जदों संपूर्ण हो जाण ते आप जी ने फतेह बुला देनी प्रधान साहब दे बोलण तों बाद फिर आप जी ने कीर्तन आरंभ करके 8:30 बजे तक आप जी का समा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। इतना श्रीमला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रवे चंद दीपक बन तारका मंडल जनक मोते धूप मले आन लो पवन जब करे सगल बन राय बुलंत जो Thank you.
धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन ते पवित्र हजूरी च सज बैठे गुरु प्यारी साध संगत जी गज वज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज इस लॉकडाउन नू 50 दिन हो गए। ये गुरु साहब जी की रहमत ते बख्शिश आ अपने सिखां दे उते। दुनिया भर च सिख जिहड़े ने इस महान सेवा नूं निभा रहे ने। इस करोना वायरस के दौरान करोना वॉरियर्स के रूप अंदर दुनिया के हर कोने च सिखां ने अपनी इस सेवा दे चलदे पूरी दुनिया नूं ये महसूस कराया
कि मानवता की सेवा अगर करनी आ इंसानी जामे च असी आए हाँ तो साड़ी सेवा कैसी होनी चाहिए आ ये सिखा ने पूरी दुनिया नू महसूस कराया है। ब्रिटेन की मैं पहला भी बहुत बार गल कही कई मंचों तो कि जदों ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स की मीटिंग तो बाहर आई सी शायद उदो किसी नू पता नहीं सी कि करोना नाम की बीमारी भी आ सकती अज तो डेढ़ पौने दो साल पहला तो उसने बाहर निकलदे अल्फाज कहे सी कि इस 21वीं सदी अंदर लोगों सिख बनन की लोड़ आ ते नीड टू बी आ सिख ये सिख धर्म जिहड़ा है अज ओ बनन की लोड़ आ लोगों ब्रिक्स की मीटिंग हो रही आ उस तो बाहर आके ते कोई भी प्रधानमंत्री पता नहीं अपने भाव किस तरीके नाल रखदा लेकिन खै शायद उस नूं रब की कोई सोझी सी उसने महसूस किया कि अज दुनिया नूं सिख बनन की लोड़ आ। जदों कल नर्स डे सीगा ते जो RML दियां नर्सिस ने उन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सारे स्टाफ का धन्यवाद किया ये कह के कि पूरी दुनिया अज नर्सिस डे मना रही आ पर असी तुहाडा धन्यवाद करते हैं असी तुहानू डेडिकेट करते हैं ये दिन क्योंकि जो डॉक्टर नर्सां नू लोग पत्थर मार मार भजा रहे सी इन्हां गुरु के सिखा ने ना सानू संभालिया पर कि अपने परिवार वर्गू संभालिया तो जो उन्हें मीडिया का चैनल एक पूछ रहा सी ZTV कि तुहानू डर नहीं लगता तुसी इहो जी सेवा करते जे उत्थे जाते जे अंदर तुहानू PPE किट पाई हुंदी आ तो उस एक नर्स ने कहा कि अब तो हम गुरुद्वारे में हैं तो गुरुद्वारे से आशीर्वाद मिलता है तो डर तो अब लगता ही नहीं है। जदों कोई इंसान गुरु घर के अंदर एड्डी श्रद्धा तो विश्वास रखता है उसका डर और खौफ भी उतर जाता है। मैं भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी UK वाले मैं कल गुलशन जी की वह वीडियो सुन रहा सी श्री हरकृष्ण त्याई जिस जिथे सब दुख जाए शायद साडा विश्वास मैं बार बार कहा साडा विश्वास कमजोर पै जाता है असी अपने मालिक ते शायद भरोसा छड़ दिंदे हां नहीं तो इस मालिक दे दर च किसी चीज़ की कमी नहीं जिथे दाता रोगों तो सानू दूर रखता है जिथे रोगों तो निरोग भी करता है जिथे साडे कष्टों तो सानू निवारण करता है सानू मानवता दे चरणों नाल इस सेवा च जिथे लाया उस मालिक ने हमेशा साडी पत्त भी रखी आ। तो गुलशन जी दस रहे सी कि किस तरीके वो फतेह दिवस से दिल्ली आए उन्होंने सवेरे कथा भी करनी सी बंगला साहब शाम के प्रोग्राम साढ़े नाल सीगे और उन्होंने तबीयत खराब हो गई उन्होंने अपनी वीडियो दसिया मेरे फेसबुक पर पई है 5-6 मिनट की वीडियो मैं संखेप च गल कहना चाहना है कि किस तरीके उन्होंने गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के इस पवित्र दर तो इतों का जल लेके अमृत रूपी जल जिथे पीना किया अपने शरीर से लौना किया नाल कहिंदे मैं इंग्लैंड भी अपनी बोतल भर के लै गया रस्ते च मैं ही लगाउंदा गया मैं कदी डॉक्टर नूं दुबारा दिखाया नहीं ये भरोसा है ये भरोसा है एक सिख का अपने परमात्मा दे अपने प्रभु दे चरणा ते विश्वास है। आप रोज हुणे आरती च सुनिया किस तरीके पत्थरां चों वी रब निकल आया तन्ना भगत जी ने पत्थर चों रब कढ लिया तो इतने तो रब के चरण पे ने गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का चरण छोह स्थान आई तो ये जय सिंह का बंगला साहिब बन गया क्योंकि मेरे मालिक के चरण छोह स्थान पे। खालसा जी दुनिया अज बहुत भीड़ चा मैं बार बार कहना है शायद आपां नूं खैर एहसास भी नहीं कि आपां किन्ने चंगे हाँ मालिक ने आपां नूं इहो जिहा बनाया कि आपां कुछ दे सकते हैं पर दुनिया च ऐसे लोग भी ने अज तुसीं शायद कल दी एक वीडियो देख रहे हो मैं तुहानूं दो वीडियो की चर्चा करना चाहुंदा हां कल दी एक वीडियो चलती पई आ जिथे एक आदमी पत्ते खा रहा है पत्ते खाण नूं मजबूर आ लोग और उसनूं कोई जाके पुछदा तू पत्ते क्यों खांदा पिया है मैं तैनूं रोटी लैके आउणा तेरे वास्ते पत्ते ना खा रोण लग पिया रोटी लाके दित्ती रोई जांदा रोटी खाण लग्गिया अज मानवता ते एड्डी वड्डी पीड़ पई आ और कुछ क लोग ने जिहड़ी इस मानवता की इस पीड़ पई इस भुखमरी के उत्ते भी अपनी सेवा निरंतर कर रहे आ जिथे असी अज अपने सारे स्टाफ साढ़े ग्रंथी साहिबाना ने मेरे नाल साढ़े हैड ग्रंथी साहिब ने साढ़े लांगरी साहिबाना का सेवादार साहिबाना का
जेडे दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस के लोग साढ़े इतों लंगर लैके वरता जाते हैं उन्होंने असी सारिया के सुरपाओ पा के अज उन्हों का धनवाद किया कि तुहाडियां इन्हां महान सेवावां दे सदके ही पूरी दुनिया के अंदर ये लोगों को पता चल रहा है कि सिख कितना की सेवा निभा रहे हैं। और दूजी एक वीडियो जो तुसी देख रहे हो भी मैं अपने फेसबुक पेज पर पाई जदों आ सारे छड़ के जाण लग पे सी बड़ी मास मूवमेंट शुरू हुई तीन दिन तो मैनू अज तक एक लड़के का फोन आता है कि मैं एक इंटरव्यू लै रहा सी ते उस बंदा रोण के मैनू दस्या कि मैं दो दिन तो पैदल चल रहा हूं और भुखा है तो सिरसा जी कि आप अभी भिजवा सकते हैं। मैं उस वेले टैंपू भर के भिजवाया और अज तीसरा दिन तो लगातार साढ़े पूरे दिल्ली के गाजियाबाद तक नोएडा तक टैंपू जाते हैं जिहड़े राहगीर सानू देखते हैं उन्होंने बिठाईदा है लंगर छकाईदा है जल पानी देईदा है। और एक ने वीडियो पाई वो वीडियो जरूर देखियो जे जिहड़ा कहिंदा है कि जे गुरुद्वारे ना हुंदे तो की हुंदा ये सरकारां ते सब फेल ने जे असीं बचे हाँ तो गुरु कर करके बचे ये गुरु साहब की उपमा ते वडियाई हो रही है। सो मैं उन्हां जीआं दा धन्नवाद करदा हां जिन्हां दी रहमत गुरु साहब की जिन्हां परिवारां ते होई जिन्हां तों गुरु साहब ने आप ये महान सेवावां लईआं। मैं सारिआं दे संगतां दे चरणां च बेनती करना जिहड़े सानूं सुन रहे जे असीं पेटीएम ते भी अपना नंबर चालू किया तुसीं देखो टीवी स्क्रीन ते चल रहा होगा गल माया दी नहीं भावें एक दाणा भी भेजो पर गुरु दे दर ते गुरु चरणां च आप जी दा इह दसवंध पवे भावें एक दाणे दे रूप च पवे ताकि जदों किसे दे पेट च इह जावे उह सीस दे के अपने गुरसिख दा उह सिख दा धन्नवाद करे जिस दे कारण उस दे घर च इस दे मूँह च दाणा पै रिहा है। अज मैं टीवी चैनल वाले जदों 50 दिन पूरे होने आए तो मैनूं यही सवाल पूछ रहे थे मैं बड़ी बार पहला भी पूछा तो अज फिर कि 50 दिन लॉकडाउन हो गए ये तुसीं कदों तक रखोगे और तुहाडा किवें चलता पिया है। मैनूं कहा कि यह सरकार नहीं हैगी यह गुरु का दरबार आ सरकार थक सकती है इंसान थक सकता है सिस्टम थक सकता है पर रब का घर थोड़ा ही ना है यह रब का घर थकता नहीं ये रब दे घर च कोई घाटा नहीं लैण वालिआं तों घाटा हो सकता है उहदी चोरी छोटी हो सकती है देण वाले दी नहीं असीं ते चिंता कीती नहीं। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का दर आ गुरु तेग बहादुर साहब जी का दर आ गुरु नानक देव पातशाह जी का दर आ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का दर आ उस मालिक ने आपे ही चिंता करनी आ। मैं उन्हां परिवारां दा धन्नवाद करां जिन्हां ने इस माया जिसने ने इस दे अंदर बहुत वड्डा अपना दसवंध पाउंदे ने वड्डा मतलब माया दे तौर ते वड्डा ना समझो इस कष्ट दे वेले जिन्हें एक रुपया भी भेजा है वह साडे लई बहुत वड्डा है। श्री रजनीश जैन जी ने बहुत वड्डी रसद भेजी आ नरिंजन सिंह जी ने दी रेफ्रिजरेशन हाउस तो ज्योति जी रजिंदर कुमार जी रिपू दमन बिंदरा जी एल एस बिंदरा जी स्टार जगतार सिंह जी माधो प्रसाद चुरसिया जी अनिल कुमार जैन जी सी डी चटवानी जी वरिंदर कुमार उपल जी इन सारिया ने रसद अंदर बहुत वड्डे हिस्से पाए ने मैं इन्हों का धन्यवाद करदा। इस तरीके माया रूप से भी बहुत गुरु के प्यारे जेड़े इस विच अपना हिस्सा पा रहे ने साडे गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबका प्रधान सरदार चंदोक साहब के फरजान रणधीर सिंह चंदोक जी ने 11 लाख रुपया दिता है मैं उन्हों का भी धन्यवाद करदा। निखिल कुमार जी ने 1 लाख रुपया दिता मैं उन्होंने धन्यवाद करदा। नैक्टर लाइफ साइंसिस तो 5 लाख रुपया करमजीत लांबा जी ने 51,000 रुपया पूजा जी ने 15,000 रुपया अमृतपाल सिंह चड्ढा जी ने 13,000 रुपया इंदरजीत सिंह सुरजीत सिंह गांधी जी वालों 1 लाख रुपया गोपाल स्टीलेज वालों 1 लाख रुपया जसबीर सिंह जी वालों 51,551 रुपए सरदार दलजीत सिंह जी वालों 43,053 रुपए विशाल कालड़ा जी वालों 51,000 रुपया जसपाल कौर जी वालों 1 लाख रुपया कुलविंदर सिंह जी जोगिंदर सिंह जी वालों 11,000 रुपया नरेंद्र कुमार कोहली जी वालों 35,000 रुपया दयाल सिंह जी दुग्गल वालों 80,000 रुपया श्री गुरु सिंह सभा प्रीतमपुरा यू ब्लॉक तो 31,000 रुपया सरदार हरभजन सिंह जी वालों 1 लाख रुपया सरदार मोहता सिंह जी लोथरा वालों 1 लाख रुपया गीतांजलि खन्ना जी 25,000 रुपया जसबीर सिंह जी 50,000 रुपया। मैं सारे परिवारों का नाम मैं ले नहीं पाँगा पर मैं जिन्हें एक मेरे हाथ च आते मैं कोशिश करदा है सरदार जसवंत सिंह जी वालों 1 लाख रुपया जोगिंदर सिंह जी ललवानी उन्होंने अपने पर पिता जी अपने माता जी के वास्ते गुरु साहब के चरणों से 10 लाख रुपया भेजा है परमजीत कौर जी वालों 1 लाख रुपया तरनजीत सिंह जी वालों 17,500 रुपया प्रभजोत कौर जी वालों 50,000 रुपया ओंकार सिंह जी वालों 20,000 रुपया ये अलावा जिन्या भी गुरु साहब जी के चरणा च आप अपने दसवंध के रूप च भेजते जे गुरद्वारा बंगला साहब के पेज उत्ते मैं सारी लिस्ट नूं टाइप करके ते पा रहा है और नाल ही दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के
वैबसाइट उत्ते भी असी सारी डोनेशन की जानकारी पा रहे हैं और जिन्हों परिवारों तो आ रही है जिन्हों के साथ को संपर्क नंबर मेल जो भी मिलता है असी उन्होंने सबन रसीद खुद अपने फोनों के राही भेजन की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं सारे ही उन्होंने परिवारों का फिर तो धन्यवाद करदा और फिर तो एक बार बेनती करदा है अपने दसवंध च हिस्सा जरूर पायो। जे कोई पिंडा चो कणक कट्ठी करके भेज रहा है तो कोई पिंडा चो घ्यो कट्ठा करके भेज रहा है। साडे सत्कारयोग मैंबर ने सरदार MPS चड्ढा साहब उन्होंने अपने इलाके दीआं संगतां तों चैक इकट्ठे करके लगभग 6.5 लाख रुपए की सेवा गुरु घर च भेजी आ और अपने वालों भेजी आ। मैं उन्होंने भी धनवाद करदा सारियां संगतां का बहुत बहुत धनवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।